नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आएगा इससे? बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, दूरगामी फैसला, और इस पर सबकी निगाहें थी। और दरअसल महिलाओं की स्थिति से ही ये पूरी बातचीत चली थी। इसको धर्म का, मजहब का जामा पहना दिया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन पांच महिलाओं ने ये लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले मैं उनको सलाम करना चाहूंगा। अगर उनमें जज्बा नहीं होता, अगर उनमें न्यायालय में जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं होती, तो इस कुरीति पर इस तरीके से प्रहार नहीं होता। केवल इसको लेकर राजनीति होती, और जो मजहबी लोग हैं, जो इसको मजहबी रंग देना चाहते हैं, इसको मजहब का जामा पहनाकर बात को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो सफल होते। लेकिन आज न्याय की जीत हुई है, महिलाओं के हक की जीत हुई है। उन तमाम महिलाओं को जिनको के तीन तलाक की आड़ में प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, हम कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, उनको बराबरी के इंसानियत के दर्जे से देखा जाए, वहां पर आप केवल एक चिट्ठी के जरिए, एक खत के जरिए, केवल तीन शब्द बोलकर कैसे उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचा सकते हैं, उनकी जिंदगी इस तरह तबाह कर सकते हैं। तो बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला और दूरगामी फैसला। अरब में जहां इस्लाम का जन्म हुआ, वहां तीन तलाक को नहीं मानते, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये जो 1978 का मामला था शाहबानो का, और जिसको लेकर खूब राजनीति इस देश में हुई है, वो भी दरअसल तलाक के बाद गुजारे भत्ते का मामला था, और उसको लेकर इतनी अधिक राजनीति हुई कि कोर्ट के फैसले को सरकार ने संसद में कानून बनाकर पलट दिया। बात दरअसल ये कि अगर कोई सामाजिक कुरीति है, किसी को परेशान करने वाली बात है, आप कह रहे हैं कि भाई सऊदी अरब में भी नहीं होता, लेकिन दरअसल ये बात धर्म की है नहीं, इस्लाम की है नहीं, एक ऐसी कुरीति है। इसीलिए इसको तलाक बिद्दत भी कहा जाता है। बिद्दत मतलब वो चीज है जो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, लेकिन उसको एक अपना हिस्सा बना लिया गया है। तो कुछ लोग हैं जो इसकी आड़ में अपनी दुकानदारी चलाते हैं, उनका स्वार्थ है, वो चाहते हैं कि महिलाओं को वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाए, कपड़ों की तरह बदला जाए, जब मर्जी उनको छोड़ दिया। आप देखिए कि जो शाह बानो से मामले की बात चली है, और शायरा बानो में लड़ी है जो एक महिला, उनको टेलीग्राम के जरिए केवल तार भेजकर उनको तलाक दे दिया गया। दूसरी महिला है आफरीन, उनको स्पीड पोस्ट से, इंदौर की महिला है और जयपुर में रहती है, इंदौर में उनकी शादी हुई थी। दूसरी जो महिला है वो उत्तराखंड की है, एक तीसरी महिला है वो बंगाल की है, एक उत्तर प्रदेश की महिला है। तो देश के अलग अलग कोने से आने वाली इन पांच महिलाओं की कथाएं जो है, वही प्रतिनिधि कथाएं जो बताती है कि किस तरह की प्रताड़ना उनको तलाक की आड़ में सहना पड़ी। देखिए, तलाक दूसरे समाजों में भी होते हैं, धर्मों में भी होते हैं, और कोई अगर नहीं साथ रह सकते तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन किन शर्तों पर होंगे, दोनों की अस्मिता का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, क्या महिलाओं को गुजारा, अभी गुजारा भत्ते की बात तो अभी भी नहीं हुई है। अभी सिर्फ बात यह हुई है कि कोई भी किसी भी महिला को केवल तीन बार तलाक कहकर, एक बार में तीन तलाक कहकर उस शादी के रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता अगले छह महीने तक, और छह महीने बाद अगर सरकार कानून बनाती है तो वो कानून मान्य होगा। यहां मैं वेब वार्ता के दर्शकों श्रोताओं के लिए भी ये बताना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कानून ये बना दिया कि तीन तलाक मान्य है तो वो भी माना जाएगा, इस फैसले का ये मतलब है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा है कि इस पर सरकार कानून बनाए, सरकार कानून अगर तीन तलाक को खत्म करती है तो वो लागू हो जाएगा, मान्यता देती है तो वो लागू होगा, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो लागू रहेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, जो दूसरी भी पीड़ित महिलाएं जो सामने आई, आप उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से वो दुखी थी, पीड़ित थी। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं फैसला आने के बाद से लगातार सब जगह देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम समुदाय का, पुरुष महिलाएं सब इसका स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम के भी हक में है, इस तरीके की प्रताड़ना को इस्लाम में भी मान्यता नहीं दी गई है। मुगल काल में भी हिंदुस्तान में हमने देखा कि इसको सबसे आखिरी उपाय माना गया था, लेकिन उसको अगर कुछ लोगों ने अपना हथियार बना लिया था महिलाओं को प्रताड़ित करने का, कि ये महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला आया है। हमें इसको देखना चाहिए कि महिलाओं की आजादी की लड़ाई जो पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है, उसी दिशा में भारत में, हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम। यदि इस फैसले को समर्थन तो बहुत मिला है, लेकिन दबी जुबान में विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, ये वही लोग हैं जो धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जिनको इंसान से, इंसानियत से, इंसान की अस्मिता से, स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। दिक्कत यह है कि इन लोगों ने धर्म की, चाहे किसी भी धर्म की, यहां मैं किसी धर्म को बख्शना नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाना लोग बंद करें, इंसान को महत्व दें। और अगर महिलाओं की अस्मिता की बात है तो सभी धर्मों में उसको ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे हम देखें कि बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, उसको भी कानून बनाकर रोका गया। अगर वो हिंदू समाज
समाज की कुरीतियां थी तो बात हिंदू समाज की नहीं, किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो, यही बात लगातार पूछी जा रही थी कि इस तरह का कानून क्यों चलता है, इस तरह की रीतियां क्यों चलती हैं इस्लाम में। और आज जब फैसला आया तो हमें पता लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इसके हक में नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि जहां न्याय की बात होगी वहां न्याय की बात सुनी जाएगी, धर्म की, कुरीति की, रूढ़िवाद की बात नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद जदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे तीन तलाक पर अदालत के फैसले की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।